भाई नामांकन का आखिरी दिन था, सब जगह नामांकन भरे गए। आज हम दोसा जाकर के आए हैं, अशोक गहलोत जी, टीकाराम जूली जी, रघु शर्मा जी और मैं जाके आए हैं। आज यहाँ देवली उनियारा में भी हमने नामांकन की इस रैली में जो भाग लिया है, जो कार्यकर्ताओं का जो जुनून और जिस प्रकार का उत्साह हमें देखने को मिल रहा है और जो फीडबैक जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 महीने तक केवल थोते भाषण दिए हैं, झूठी जुमलेबाजी की है, कांग्रेस को गाली देने के अलावा, कांग्रेस के नेताओं को गाली देने के अलावा एक भी कोई अच्छी जनहित की योजना उन्होंने लॉन्च नहीं की। बजट में कुछ नहीं है, न किसान को कुछ दिया, न नौजवान को दिया, न बेरोजगार को दिया, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न चिकित्सा है, न स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं है। केवल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। गर्मी पड़ रही है तो कांग्रेस के कारण पड़ रही है, बरसात ज़्यादा आ रही है तो कांग्रेस के कारण से आ रही है, सड़कें टूट रही हैं तो कांग्रेस के कारण से टूट रही है, कोई अफसर पकड़ा जा रहा है तो कांग्रेस के कारण, ये क्या बात है। आपको जनता ने आशीर्वाद दे करके 115 सीटें दी हैं, पर्ची से ही सही लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार बनाई है। अब जब सरकार बनाई है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि बेरोजगारों को आप रोजगार दो, नौकरियां दो, किसान के कर्जे माफ़ करो। ये कृषि मंत्री जी तो बनते ही इन्होंने कह दिया कि किसान की आदत बन गई है, कर्जा ले लो और मत चुकाओ, इसलिए इसको कर्जे माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, आज 7,000 रुपये मिल रहे हैं। MSP की कोई बात नहीं है, बाजरा खरीद की घोषणा इन्होंने की थी अपने घोषणा पत्र में, उसकी कोई बात नहीं है। इस्तीफा लिए घूम रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, सर्कस बना रखा सरकार के बजाय। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता देख रही है कि कहाँ मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना थी, कहाँ अन्नपूर्णा पैकेट था, कहाँ महंगाई रात कैंप थे, कहाँ लोगों को पट्टे मिल रहे थे, कहाँ लोगों की सड़कें बन रही थी, वो सब हवा हवाई हो गई बातें। और आज पहले तो मोदी जी आए, थोते भाषण दे के चले गए, झूठे गुमराह करके लोगों को चले गए, आज मुख्यमंत्री जी सुबह हेलीकॉप्टर लेते हैं, भाषण देते हैं, भ्रमित करते हैं और चले जाते हैं। उनको कोई पूछे कि कांग्रेस को कोसने के अलावा आपके पास में कोई विजन है क्या, कोई 36 कौम के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए, जो फसलें बर्बाद हो गई उनका मुआवजा के लिए कोई बात है क्या आपके पास में? कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है, बहुत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्तित्व का धनी है, यहाँ का लोकल है। लोकल यहाँ के लोगों की एक डिमांड थी कि साहब लोकल हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, तो हमने प्रत्याशी दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं समझता हूँ कि अच्छा, नाराजगी गठबंधन से जुड़े हुए संगठनों की नाराजगी? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई कांग्रेस में नाराजगी नहीं है, सब एक हैं, एक जाजम पे हैं, तमाम नेता कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 7 उपचुनाव में BJP सुनने पे रहेगी। नरेश मीणा देवली उनियारा में और उधर आपके 84 के अंदर बाप पार्टी और नागौर में। देखिए, बाप पार्टी से हमारा पहले भी अलायंस नहीं था, हमने BJP को हराने के लिए वहाँ कांग्रेस पार्टी ने बाप के MP उम्मीदवार को और एक MLA उम्मीदवार को समर्थन दिया था, क्योंकि हमें BJP को हराना था। मैं समझता हूँ कि RLP के साथ हमारा गठबंधन पहले भी था, आज भी है, इंडिया गठबंधन में है, राजस्थान में कोई गठबंधन नहीं था। और गठबंधन का फैसला पार्टी हाईकमान करता है, जब पार्टी हाईकमान ने 7 सीटें दी है तो हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा पहले देवली उनियारा से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। वो कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में मेरे पास स्वयं चल करके आया था, 1 घंटे तक मेरे पास बैठा था। उसने कहा, भाई साहब मैं 100% कांग्रेस के साथ रहूंगा और मैं भविष्य में छबड़ा से ही टिकट मांगूंगा, कहीं भी किसी सब जगह कांग्रेस का समर्थन दूंगा। अब आज अचानक उनका मन क्यों परिवर्तित हुआ वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। स्वयं चल के आए थे, 1 घंटा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में बैठे थे और ईमानदारी के साथ मुझे कह के गए थे कि मैं छबड़ा से ही भविष्य में तैयारी करूंगा। अब रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात करेंगे। BJP टिकट बेचने का आरोप लगा रही है कि देवली उनियारा का टिकट बेच रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी जो बने पहली बार के MLA, तो क्या पैसे दे के मुख्यमंत्री बने हैं? बताइए, पैसे दे के बने हैं? वसुंधरा जी नहीं बनी, ये बन गए। ये तो पार्टी आलाकमान का फैसला होता है, जनता की राय होती है, जनता का मन था हमारा लोकल होना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हिंदुस्तान जिंक में नौकरी किया हुआ है, योजनाएं समझता है, प्रोजेक्ट समझता है, ऊपर तक दिल्ली तक इनकी अप्रोच है, काम करेगा, आपके जो मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के उन मुद्दों को उठाएगा।
तो इससे बढ़िया क्या पढ़ा लिखा अच्छा उम्मीदवार होना उसका गुना है क्या? दस पेपर लीक माफियाओं को लेकर कल भी मुख्यमंत्री इसी मंच से बोले, पेपर लीक माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ से बोले कि अब मगरमच्छों को भी धीरे धीरे वो तो खा खा के खुद ही मगरमच्छ बन रहे हैं। किसको पकड़ेंगे, चूहिया तो पकड़ी नहीं जाती मगरमच्छ।